बंसल न्यूज के खास चुनावी कार्यक्रम क्या बोलती पब्लिक में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं माई दंतेश्वरी के शक्तिपीठ दंतेवाड़ा में। वर्तमान में यहां से कर्मा परिवार की देवती कर्मा जो हैं वो विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बैलाडीला की पहाड़ियां और माई जी का मंदिर यहां की सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है। विधानसभा में पिछले 5 सालों में क्या इश्यूज रहे और आने वाले 5 सालों के लिए कैसा दंतेवाड़ा लोग चाहते हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया बताइए, ये जो 5 साल निकले इसमें आपकी अपेक्षाएं कैसी थी, दंतेवाड़ा कैसा होना चाहिए था, उसकी अपेक्षाओं में कितनी खरी उतरी सरकार? 5 साल कांग्रेस की सरकार का पूरा होने वाला है। एक ही कांग्रेस भूपेश सरकार का एक ही उद्देश्य रहा है, भ्रष्टाचार, जो पूरे छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले में पूरा भ्रष्टाचार हुआ। विभागों में चोरी के टेंडर लगाए गए, बाहरी ठेकेदारों को बुलाया गया। कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस की जो सरकार है, यहाँ दंतेवाड़ा जिले के जो ठेकेदार हैं या बेरोजगार हैं, तो ठेकेदारों को भी बेरोजगार बना दिया है कांग्रेस पार्टी। यही 5 साल में कांग्रेस पार्टी काम की है दंतेवाड़ा में। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, जवाब लेंगे इस पर। भैया भ्रष्टाचार जो है वो बड़ा मुद्दा था, यहाँ लोग खुलकर बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार दिखाओ, प्रमाणित करो। इन लोग के इंजीनियर हैं कि ये हैं, किस काम में भ्रष्टाचार हुआ है? क्या 1 लाख का काम 2 लाख में कराया जा रहा है कि काम नहीं हो रहा है? किस चीज़ का भ्रष्टाचार तो पहले तो बताए। इनका रतन जो कहाँ गया, जाके देख लीजिए। बाड़ी नहीं खाड़ी से रतन डीजल मिलेगा, बाड़ी से मिलेगा? धीरेन्द्र प्रताप के घर से डीजल मिल रहा होगा? रतन जोत कहाँ गया आपका? मोचोबाड़ी का योजना कहाँ गया? बाड़ी ना, बाड़ी भी नहीं, मोचो भी नहीं है। अभी हम लोग जाली वाला दिए, किसान बोर करा रहे हैं, गाँव का सब जगदर सब्जी आना बंद हो गया, यहाँ लोकल सब्जी खा रहे हैं, यूरिया बंद कर दिए गए, DAP बंद कर दिया गया, यहाँ जैविक खेती पैदा करे, एक क्रांति की ओर जा रहा है, हरित क्रांति की ओर जा रहा है दंतेवाड़ा जिला। इनको भ्रष्टाचार दिख रहा है, काम करेगा काम दिख रहा है, भ्रष्टाचार दिख रहा है। भ्रष्टाचार का पैमाना क्या, इनको पूछे भ्रष्टाचार का पैमाना होता क्या है, उसका जवाब हम देंगे। भ्रष्टाचार के आरोप तो लग रहे हैं लेकिन प्रमाण नहीं है, आप क्या मानते हैं भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं? कांग्रेस सरकार ने, भूपेश सरकार बहुत अच्छा काम किया है, फिर से हम रिपीट कांग्रेस सरकार बनाएंगे और 70 आपका बार 70 पार है, की बार 70 पार, यही नारा यहाँ भी लग रहा है। आप बताइए भैया, कैसा दंतेवाड़ा आपको चाहिए था, इन 5 सालों में क्या वैसा विकास हो पाया? देखिए, 5 सालों में दंतेवाड़ा में हम लोगों ने जो भी काम किया है, हम लोगों ने समाज के, हमारे हम लोग मतलब हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने समाज के अंतिम व्यक्ति जो हर तरह से वंचित है उसको रीपा के माध्यम से समूह बनाकर आर्थिक रूप से उठाने की जो योजनाएं हैं वो समाज के अंतिम व्यक्ति को देख कर बनाया गया है। और चारों दिशाओं में हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए जमीन दिया गया है और एकता परिसर बनाया गया है। माँ दंतेश्वरी का कॉरिडोर बन रहा है भव्य, यानी कि भूपेश सरकार हर क्षेत्र में हर वर्ग हर समाज को लेकर काम कर रही है। और एक छत्तीसगढ़िया अस्मिता की पहचान अगर कोई है इस पूरे प्रदेश में, भूपेश बघेल है। और भूपेश बघेल ने पूरे छत्तीसगढ़ के मानचित्र को देश में परिलक्षित किया है। इससे पहले लोग छत्तीसगढ़ को कम जानते थे, कम आंकते थे, यहाँ के नेताओं को जानते नहीं थे। भूपेश बघेल जब से आए एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे हैं हमारे भूपेश बघेल, और लोगों ने आगे नारा दे दिया है, अब कहो दिल से भूपेश फिर से, और भूपेश बघेल फिर आएंगे और 75 पार का नारा है हमारा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का काम जो है वो 5 सालों में सरकार ने किया है। इसके अलावा भी कुछ और आरोप हैं जी भाई साहब, बताएं कैसा दंतेवाड़ा आप चाहते थे? लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं लेकिन प्रमाण तो नहीं है, आप सहमत हैं इससे? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है हम इससे। कि देखिए, ये जो नरवा घुरवा और ये जो बाड़ी की बात करते हैं, आज ये गोबर से पेंट बना रहे, वो क्यों बना रहे हैं? इन्होंने जो भ्रष्ट काम किया है उसको पेंट करके छुपाने के लिए इन्होंने गोबर और इसकी बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं, आज दंतेवाड़ा नगर पालिका का स्तर, आप जिला मुख्यालय होने के बाद भी आप बस स्टैंड में खड़े हैं, जर्जर स्थिति देख सकते हैं, रोड की नाली की, जहाँ जाएंगे आप गड्ढा पुलिया सब दिखेगा आपको। और गाँव के अगर बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात आ रही है, आप देखिए, सिर्फ जो बच्चे अंदर थे अब वो फोटा केबिन में जो हमारे गवर्नमेंट में थे वो बच्चों को शिक्षा हम अंदर अंदरूनी इलाके तक देते थे, आज वो बच्चों को वंचित करके ये दूसरे नाम से नाम बदल बदल के अपनी शिक्षा को दे रहे। शिक्षा वही है, बस नाम बदला जा रहा है। मैं किसी पार्टी से तो नहीं हूँ लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो फोकस करना चाहिए वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, और जो सारी चीज़ें शहर के इर्द गिर्द सीमित हो गई हैं। आप जाइए, प्रधानमंत्री की जो सड़क योजना जो पुराने रमन सरकार कार्यकाल में अधूरी थी 15 साल से, अभी भी अधूरी है 5 साल के बाद भी।
और जो गीदम से दंतेवाड़ा बैलाडीला रोड की स्थिति है, गीदम से दंतेवाड़ा के बीच की जो सड़क है एनएच है उसकी दुर्दशा है, फिर बैलाडीला से दंतेवाड़ा से बैलाडीला के बीच जो है वो स्टेट हाईवे उसकी दुर्दशा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या यहाँ बैठे अधिकारियों की या फिर राज्य सरकार की या केंद्र सरकार किसकी जिम्मेदारी नहीं है कि पब्लिक को सुविधा, आप जिस बस स्टैंड में आप खड़े हैं यहाँ की सड़क को देखिए और जो धूल उड़ती हुई है इसको देखिए, ये राजनीतिक प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप से हटके भी अगर देखें तो पब्लिक को जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही है। दंतेवाड़ा में लॉ कॉलेज की मांग की जा रही है पिछले 10-15 साल 20 साल से, चलिए रमन सरकार निकल गई 15 साल में, इस सरकार के भी 5 साल पूरे हो गए लॉ कॉलेज नहीं मिला, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन जेन्यून बातों पर यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। और पब्लिक से अब यहाँ पर ये भी देखने में आ रहा है कि जिला प्रशासन अपना अलग राह गलाप रहा है, उनका जनप्रतिनिधियों से तालमेल नहीं है, सत्ता पक्ष के विधायक हैं उसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, पूरा कार्यकाल निकल गया। सही, ये आस्था और परंपरा से जुड़ी चीज की ओर भी ध्यान नहीं दिए, सड़क वड़क तो नहीं बनी अपनी जगह है, शिक्षा को लेकर भी कुछ कमियां रह गई हैं। मैं आपको बता दूं जगर गुंडा का रोड बना है अभी आवापल्ली से सीधा, आप सीधा कुंटा निकल सकते हो दोनापाल होते हुए, रोड कौन बनवाया है? आज किरणदुल का रोड आप खुद देख रहे हो, पुलिया बन रहा है, थोड़ा सा पुलिया बन रहा है, उसके बाद भी रोड निर्माण कार्य में प्रगति पर है, उसके बाद भी इनको नहीं दिख रहा है। आप देख रही है माया जी में टेम्पल कमेटी का गाड़ी रोड बन रहा है, ऐतिहासिक बनने वाला है। हम लोग धर्म का बारे में लोग चुनाव का बात करते हैं, धर्म का नाम से चुनाव लड़ते हैं लोग धर्म के नाम से, पर हमने कौशल्य मंदिर बनाया, राम गमन वन पता दिख रहा है क्या? शिवकुंड बना रहे हैं, सुनो ना, इसके बाद भी इन लोग ना सिर्फ बहाना बनाते हैं, चुनावी मुद्दा हिंदू मुस्लिम के नाम से चुनाव मुद्दा बना के जीतना चाहते हैं। इस बार वो सब नहीं चलने वाला, जनता समझ चुकी है कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी। एक और बड़ा मुद्दा है दंतेवाड़ा के किसानों के लिए लाल पानी का, इसको लेकर भी पिछले काफी सालों से आवाज उठती रही है, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार आई तो भी इस पर हुआ कुछ नहीं। नहीं देखिए, लाल पानी की जो समस्या है इसके लिए मुआवजा दिया जा रहा है, प्लस आयरन रिमूवल प्लांट जहाँ लाल पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है वहाँ पे हैंडपम्प के बगल में लगाया जा रहा है। और कितना समय लगेगा इसको? देखिए लाल पानी 15 साल में तो इन्होंने लाल पानी का कोई कुछ किया नहीं, हमारी सरकार कोरेला में गई तो हमारी सरकार काम कर रही है, आयरन रिमूवल प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट, ये सारे प्लांट लगाए जा रहे हैं भैया। और भूपेश बघेल की एक सरकार ऐसी है, मैं बता रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आप लोगों को भी आवाज देने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया, युवाओं के साथ संवाद भूपेश बघेल की सरकार ने किया, भेंट मुलाकात पूरे 90 विधानसभा में भूपेश बघेल ने किया, जहां पे बीजेपी के मंत्री नहीं पहुंच पाए वहां हमारे मुख्यमंत्री पहुंचे और रुके, तो ऐसा प्रदेश को एक ऐसा व्यक्तित्व मिला है जो छत्तीसगढ़ी अस्मिता और संस्कृति को लेके चल रहा है। तो भूपेश बघेल का यानी कि आप बताइए, बीजेपी से पूछिए भूपेश बघेल के अपोजिट चेहरा कौन है, इसलिए मुख्यमंत्री चेहरा कौन बता रहा हूँ, भूपेश बघेल का टिकट डिक्लेयर करने में तो वो लोग आगे थे, आप लोग बहुत देर से टिकट नहीं आएगी, लेकिन बीजेपी पितर पक्ष में हम लोग डिक्लेयर नहीं कर, हिंदू धर्म के आदमी पितर पक्ष में शुभ काम करते हैं क्या? देश चलाने के लिए प्रदेश चलाने के लिए विधायक चुनना है, अब पितर पक्ष में लिस्ट जारी करोगे? हिंदू का बात करते हैं, सनातन का बात करते हैं, तो हिंदू धर्म के लोग ठेका लेके रखे हैं क्या? हिंदू का है ना, नहीं पितर पक्ष में एक पितर पक्ष कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है। जी बताइए भैया, ये तो टिकट वितरण की बात अलग हुई, और कौन से ऐसे काम थे जो दंतेवाड़ा में इन 5 सालों? देखिए, इन 5 सालों में युवाओं के लिए किसी प्रकार की लाभकारी योजनाएं नहीं आई है। इसी दंतेवाड़ा जिले में गीदम में बीपीओ कॉल सेंटर संचालित था, जिसमें हजारों दंतेवाड़ा जिले के युवा कार्यरत थे, जैसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आती है बीपीओ कॉल सेंटर को बंद करके उन रोजगारों को बेरोजगार कर दिया क्या? उस बेरोजगार उन जो युवक युवतियों से इनकी कांग्रेस की क्या दुश्मनी थी जो इनके उनके रोजगार को इन्होंने छीन लिया? लक्ष्य का कोचिंग सेंटर जयस्तंभ चौक में दंतेश्वरी मंदिर के सामने संचालित था, भाजपा की सरकार में इतने अच्छे से लक्ष्य चल रहा था, लेकिन सरकार ने आप जाकर देखिए बंद होने के कगार में। कोचिंग सेंटर बंद हुए, इससे युवाओं को काफी नुकसान, आप देख नहीं पा रहे, युवाओं को काफी नुकसान हुआ। युवा पहले हम जो देखते थे भिलाई दुर्ग के युवा हमारे यहाँ पढ़ने आते थे इसके लिए, अब आज के डेट में यहीं के बच्चे नहीं जा पा रहे। और मेन मैं आपको मैं और भी बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य आज आप हॉस्पिटल जाके देख सकते हैं कि मरीज है, लेकिन मरीज आते हैं बेड नहीं है,
मरीजों को इंजेक्शन लगाने के लिए सिस्टर नहीं है, डॉक्टर इलाज करने के लिए नहीं। आज भी वहाँ पे नाइट ड्यूटी में आप चले जाइए, सिस्टर बिल्कुल उठा के फाइल फेंक देती है कि हम बाद में देखेंगे इनको, सुबह आइएगा आप बोल के। ये है आज के डेट में यहाँ की व्यवस्था। भैया इतने सारे इश्यूज हैं हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तो बीजेपी ने आंदोलन क्यों नहीं किया, सड़क की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? पक्ष विपक्ष जो है हमेशा, आप कोई भी पेपर उठा के दीजिए देखिए, हम जो है धरना दिए हैं, कलेक्ट्रेट में घेराव किए हैं, चितालंका बाईपास रोड में जाइए अभी आते समय देखे होंगे, दो दो फीट के गड्ढे हैं। क्या विकास कर रहे हैं ये? खाली अपना घर परिवार भर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज ये बहुत सारी क्रेडा की लाइटें सौर ऊर्जा की लगाए हैं, जगह जगह सारी बंद पड़ी हुई हैं, वो भ्रष्टाचार है सब। ये लोग बहुत सारा सप्लाई आश्रमों में किए हैं, एक भी सामान सप्लाई नहीं किए हैं, सब खा गए हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। तो भ्रष्टाचार अभी इनको, बस चुनाव है नवंबर में, इनको पता चल जाएगा भ्रष्टाचार और कांग्रेस सरकार पार्टी को, ये बुरी तरह से यहाँ से जाने वाले हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। भैया ये बताइए कि अगर इतने बड़े बड़े इश्यूज थे तो सरकार के खिलाफ आम लोगों की आवाज़ क्यों नहीं उठी? जो विपक्ष के लोग थे, CPI भी है यहाँ अच्छी मजबूत पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी अच्छी स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस सरकार का पुरजोर विरोध किया है, सड़क पर उतर कर कई बार आंदोलन किए हमने, कटे कल्याण कुआकुंडे जैसे ब्लॉकों में भी जाकर एक ब्लॉक स्तरीय हमने धरना प्रदर्शन किया है और पुतला दहन किया है और संबंधित अधिकारी को हमने ज्ञापन सौंपा है, यहाँ तक कि जिला मुख्यालय में हमने कई बार इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आंदोलन किए हैं। तो हुआ क्या? परिणाम अभी तक कुछ नतीजा सामने नहीं आया है। भैया देखिए इतने आंदोलन हुए, इतने ज्ञापन सौंपे गए, उसके बाद भी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। दिखाइए एक कतरन, दिखाइए कभी आंदोलन किए नहीं, और ये तो मस्त, इन लोग तो मस्त आचार के खिलाफ कब आंदोलन किया है? दूसरा बात, मस्त कलेक्टर से काम लेते हैं, काम करें, इन लोग का विरोध किसका किए बताओ? मैं बता देता हूँ। कौन काम कर रहा है? काम कर रहे ठाकुर साहब हमारे बलूद में, जितना पैसा दिया, किसके फंड से पैसा गया बताइए? ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? होंगे, संख्या आपको बताने की जरूरत नहीं है। और एक चीज बताओ, अच्छा अभी इन लोग क्या बोल रहे थे, इनके शासन काल में इनको ठेकेदारी मिला नहीं? कांग्रेस सरकार में सबको ठेकेदारी काम मिला है, सबको रोजगार मिला, जो भूमि अंतिम व्यक्ति बोलने से एक भूमि जिसको भूमि नहीं रहता उसको भूमि। आप ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भाजपाइयों का भी पूरा ध्यान रखा है? भेदभाव नहीं करे, भेदभाव नहीं किया हम लोग, इसीलिए विरोध का स्वर नहीं था। हाँ इसलिए विरोध का स्वर, सही बोल रहे हैं आप, एकदम सही बोल रहे हैं आप। देखिए अब भी लोकल है, आप अच्छा से जान रहे हो, 5 साल पहले अंदरूनी क्षेत्रों में मार्जुमो परचेली हो तेलम टेटम रोड बना था क्या? अभी बना कि नहीं बना? कोई भी आदमी आवागमन कर सकता है, इतना बढ़िया रोड है, इनको रोड कटेकलन के रोड नहीं दिख रही है, परचेली तक रोड बना हुआ है, मार्जुम तक रोड बना हुआ है, इनको कटेकलन के दिख रही है बताइए? अभी बना है हम लोग, पूरा विकास हमारा राज्य में हुआ है, हमारे नहीं। ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ ज्यादा ट्रैफिक है दंतेवाड़ा से बैलाडीला, वो सड़क क्यों नहीं? वो तो पुलिया तो बन गया है, पुलिया बन गया, रोड मार्ग और काम तो चल रहा है ना, काम तो नहीं चल रहा है ऐसा तो कोई बात नहीं है, पुलिया बनने में समय तो लगता है ना जी, पुलिया बनने के बाद तो रोड बनेगी ना, चौड़ीकरण हो रहा है, पूरा हाईवे बन रहा है, बाईपास भी बन रहा है, अब देखे वो पुलिया तो बनी गया पूरा, लगभग पूरा कंप्लीट है, हालांकि एक दो महीने लेट हुआ होगा पर काम तो सीध कार्य पर जारी है। बताओ भैया आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या बात है? मैं क्या चाहूँ, बस हमारा भूपेश सरकार अच्छा है, बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। जोर से बोलो, भूपेश सरकार अच्छी है, अच्छा काम कर रही है, और लोगों की अपेक्षाएं जो हैं वो स्वाभाविक तौर पर विकास के मामले में कहा जाता है इसका इज द लिमिट, तो कितना भी विकास हो जाए लोगों को कम ही लगता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर भी कुछ और इश्यूज से आपसे बात करेंगे भैया, इसके अलावा महिला बाल विकास एक विभाग है, वहाँ पे समूह वाले सप्लाई करते थे रेडी टू ईट मध्यान्ह भोजन को, भूपेश सरकार उसमें भी भ्रष्टाचार करने के लिए ना टेंडर कर दिया, उसको टेंडर करके करोड़ों का ना, उसमें भी भ्रष्टाचार कर रही है। तो अगर हम लिस्ट पकड़ेंगे भूपेश सरकार और कांग्रेस पार्टी, खाली भ्रष्टाचार चलेगा, अगर भ्रष्टाचार के नाम से अगर नाम लेते हो ना तो लोग जेल भिजवा देंगे, भ्रष्टाचार के नाम से घर नपवाएंगे, इसलिए भ्रष्टाचार जो कांग्रेस का नाम लेता है ना सरकार का खौफ दिखाते हैं। जेल भिजवाना और घर न पाना ये धमकी थी, ये धमकी देते हैं उदाहरण? हाँ उदाहरण है ना, इन्हीं के मुकुंद ठाकुर है, एल्डर मैन है, उनका घर नपवा दिए लोग, इन्हें अपनी पार्टी का, जब अपने पार्टी का नहीं छोड़ रहे हैं तो बीजेपी कहाँ छोड़ेंगे?
ये बताइए, भ्रष्टाचार काफी बड़ा मुद्दा, बार बार बात घूम के भ्रष्टाचार पे ही आ रही है, आपके नजरिए से क्या है, पांच सालों में क्या सच में सरकार जो है या सरकार में बैठे लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त रहे? देखिए भ्रष्टाचार तो तीन नंबर पार्षद खड़े हैं, देखने सुनने में अच्छा, उसको प्रमाणित करना मुश्किल होता है। बाकी जो आम जनमानस में जो बातें हैं कि भ्रष्टाचार तो काफी हो रहा है, पहले भी हुआ, लेकिन अभी जो उसकी मात्रा जो है ना कहीं ज्यादा है, ऐसा लोगों का कहना, जो आम राय हम लोगों के बीच में जो उठते बैठते उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो मापदंडों को ताक पे रख पे काम किया जा रहा है। अभी जो कुछ समय पहले काफी हल्ला उठा था जो चार यहाँ के जो कार्यों को लेकर लोगों में आक्रोश है गाँव में, कि गाँव में विकास कार्यों की मंजूरी नहीं दी जा रही, विकास कार्य मंजूर नहीं किए जा रहे हैं, सारा पैसा जिला मुख्यालय में खपाया जा रहा है, तो ये तो असंतुलित विकास हुआ। आज की डेट में जो बेरोजगार हैं, अभी कलेक्ट्रेट में जो भर्तियां चल रही है उसमें आप देखेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे अन्य से लोग आके भर्ती हो रहे हैं तृतीय चतुर्थ श्रेणी में, तो यहाँ का जो ग्रामीण व्यक्ति जो है वो पीछे चला जा रहा है। और कंप्यूटर डिप्लोमा में जो लोकल संस्थाओं को पहले मान्य किया जाता था, अभी ये उसको अमान्य कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आम जनता की तकलीफें तो बड़ी है, उसका कोई सोल्यूशन निकालने के लिए काम होना चाहिए तो वो नहीं हो रहा है। और युवा है हमारे साथ, आप यहीं के रहने वाले भी हैं, बताइए जो ग्रामीण इलाकों में विकास हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है, ग्रामीण इलाकों को बेरोजगार मिला है, बस्तर फाइटर में जो वैकेंसी निकला रहा है, हमारे दंतेवाड़ा युवाओं को बेरोजगारी मिला है बस्तर फाइटर में, डीनेक्स के माध्यम से हमारे युवाओं को युवतियों को बेरोजगार मिला है, और अंदरूनी क्षेत्र में देवगुड़ी का निर्माण हुआ है, और भी कई आश्रम भवन बन रहे हैं, सामुदायिक भवन बन रहे हैं, काम हो रहा है। और फिर से वही एक बार बात आती है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, भैया एक चीज और छूट रही है, नक्सलवाद पहले जैसा था, और अगर इन पांच सालों की बात करें तो आपके तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, आज मारजूम तक सड़क बन रही है, तेलम टेटम की सड़क बनी है, कहाँ का नक्सली पहले जो था पांच साल पहले, कभी कोई भी घटना अपनी घटना ठीक है बड़ी घटना आपको याद है, अब मीडिया मेरे से बेहतर जाना होगा मीडिया में, कांग्रेस गवर्नमेंट टोटल न्यूट्रल है नक्सली, बिल्कुल कोई इसी प्रकार नक्सली घटना है तो बड़ी घटना तो घटी नहीं, थोड़ा बहुत पूरा कंप्लीट हुआ तो मैं तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत तो रहता ही है, समय थोड़ा सा और अगला भी सरकार बना रहे तो अगला सिद्धिज रूप से खत्म कर देंगे। भैया बताइए, अगर एक मौका और जनता देती है तो नक्सलवाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको लेकर और किस तरीके के प्रयास किए? नक्सलवाद 90% खत्म कर दिया भूपेश सरकार के नेतृत्व में, आज अपन दंतेवाड़ा में खुले दिल से बात कर रहे हैं, नहीं तो अभी पांच बजता ना कुमारास नहीं जा पाता आदमी, कतियारा से नहीं जाता है, बलूद नहीं जा पा रहा था, डेगलास नहीं जा पा रहा था, टेक्नोलॉजी मेरे को 6-5 बजे मारे हैं गोली, नेक्स्ट साइड लो दंतेवाड़ा से 3 किलोमीटर में, ये बीजेपी सरकार के। और यहीं पे बशीर में हत्या, पुलिस का मैन बीजेपी सरकार में दो सारा आरक्षक लोगों को गला रेत के बंदूक छीन के ले गए, इसी बड़े दुर्भाग्य घटना क्या है, और गैर आदिवासी लोग यहाँ लड़की देना बंद कर दिए रहे, बल्कि यहाँ से लड़की ले जाते थे मारवाड़ी, दंतेवाड़ा बोले नो बोलते थे मारवाड़ी लोग, आदमी शाम सवेरे निकलता था शाम को आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं था, पता चला आदमी अस्पताल में डेथ बॉडी में, लड़की देना बंद कर दी भैया, अब पूरा अब कुआकोंडा और बलूद अब रात में भी चलिए मेरे साथ, अभी चलिए बालू क्या कड़ेनार चलिए मेरे साथ, अभी कमालूर चलिए मेरे साथ, अभी फर्शपाल चलिए मेरे साथ, अभी गुमड़ा चलिए, बालपेट चलिए, जहाँ चलिए वहाँ चलिए, रात 1 बजे 2 बजे 3 बजे आप स्वतंत्र घूम सकते हैं, वही पुलिस है वही कलेक्टर है वही प्रशासन, लेकिन ये लोग मान लेते थे ना, केंद्र से यूपीए सरकार मान लेता था 20% नेता का 10% नेता का बाकी डीजल का, तो क्या काम करेगा आदमी, बताइए। दान का बोनस किसानों के लिए हमने बहुत सारा काम किया, बोर बांटा गया, तार बाड़ी दिया जा रहा है, सोलर पाइप लगाया जा रहा है, दान का बोनस 2800 होने वाला है, अभी 2660 रुपए इस बार मिला है, अगले बार 2800 करेंगे, कुछ नहीं है सब, इन लोगों ने बोरा तक नहीं देते सरकार, दान करने के बोरा तक नहीं देती है, हम पर एकड़ में 20 क्विंटल खरीदेंगे, पर एकड़ में 20 क्विंटल खरीदेंगे। एक और बड़ा इश्यू है पलायन का, पलायन यहाँ से काफी संख्या में हो रहा है, 2-3 इलाके ऐसे हैं जहाँ से पलायन हो रहा है, क्या जैसे खा गया जी? देखिए पलायन ना, पहले जो पलायन पहले बहुत बड़ी मात्रा में होता था, जब से भूपेश भैया की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार आई है, तब से जो एक हम लोग नरवा गरुआ गुरुआ बाड़ी इस थीम पर गोठानों का निर्माण किया गया, गोठान में वहाँ पे रीपा के माध्यम से ग्रामीण आजीविका मिशन जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से वहाँ पे गोबर पेंट बनाना, इमली की कैंडी बनाना,
और काफ़ी सारी जो वनोपज पे आधारित जो चीज़ें हैं वो महिला समूह जो पहले आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुआ करती थी उन महुआ महिला समूह का समूह बना के उसको आर्थिक रूप से ऊपर बनाने का काम। और पहले 15 सालों में रमन सिंह की जो सरकार थी वो 7 वनोपज का समर्थन मूल्य देती थी, आज हमारी सरकार भूपेश बघेल की सरकार ने 67 वनोपजों की खरीदी की है और पूरे देश का 75% वनोपज छत्तीसगढ़ से खरीदा जा रहा है। तो ये समाज के अंतिम व्यक्ति को देखकर उसके आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए कई सारी योजनाएं, राजीव युवा मितान योजना, हर ग्राम में 20-20 युवाओं का एक वो बना लिया गया है, उनको सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए 1,00,000 रुपए साल में दिया जाता है। जो भूमिहीन है उसको साल में 7,000 रुपया हमारी सरकार देती है। अच्छा भैया एक चीज और बताइए, मनरेगा का भी भुगतान काफी समय तक नहीं हो रहा था, देगा डैडी वाला बाबा माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, मनरेगा तो सेंट्रल का है, ये तो योजना बंद कर दिए थे बीजेपी वाले, लेकिन दबाव में मनरेगा चालू किए हैं जिससे गांव में मतलब अर्थव्यवस्था मजबूत रहता है। मनरेगा एक ऐसा मतलब हथियार है किसानों के लिए, खेती कड़ी करने के बाद मनरेगा में काम करके अपना भरण पोषण करते जीवन का। भैया बताइए 90% नक्सलवाद खत्म हो गया बोल रहे हैं, किसको? एकदम सही बोल रहे हैं, ये सिरे पूरा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार को जाता है। ये नक्सलियों से तय किए हैं कि खाली बीजेपी वाले को मरवाना है और ये सेटिंग किए हुए हैं। आज जितनी घटनाएं हुई हैं पूरे बस्तर संभाग में बीजेपी के लोग मारे जा रहे हैं। क्यों मारे जा रहे हैं? कांग्रेस के ऊपर क्यों हमला नहीं हो रहा है? ये लोग हमला करवा रहे हैं, इनकी मिली भगत है, इनकी मिली भगत है। आज जो हमले हो रहे हैं खाली बीजेपी के लोग, चाहे बीजापुर हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे सुकमा हो, कांग्रेस के लोग सेफ जोन में, ये लोग बदले की राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी वाले को मरवा रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। ये चुनाव बुरी तरह से हारेंगे, ये खाली भ्रष्टाचार। ये भाई साहब ये आरोप पुराना है, बदले की राजनीति हो रही है, भाजपा के लोगों को ही नक्सली टारगेट कर रहे हैं बार बार। परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस का एक बताओ ना, एक बताओ, एक घटना बताओ भाई साहब, एक घटना बता देंगे पूरा। आप बताइए, परिवर्तन यात्रा में सरकार आने से पहले परिवर्तन में हमारा शहीद महेंद्र कर्मा को मारा गया, विदेश में शुक्ला जी को मारा, नंदलाल पटेल पटेल को मारा गया, कौन मारा, किसका सरकार थी? पिछले 1-1.5 साल की अगर बात करें तो कुछ बीजेपी नेता टारगेट तो हुए हैं, ये बात नहीं हुआ। कौन हुआ बता, दंतेवाड़ा जिले में हुआ नहीं, किसको मारा है नक्सली बताइए, दंतेवाड़ा में किसको मारा है? भीमा मंडावी तो उस समय चुनाव हम लोग का सरकार आया था, सरकार आया था, लेकिन हम लोग क्रियान्वयन नहीं कर पाए, सरकार बदलते ही काम हुआ राना। नहीं, ये आरोप लेकिन लग रहा है, बार बार ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी के लोगों को टारगेट किया। नहीं, बीजेपी एक आध दो घटना हुआ होगा, बीजेपी का नहीं है, वो तो सिर्फ कांग्रेस का भी हम लोग मारा गया है। दंतेवाड़ा जिले में माओवाद की समस्या जो है ये सबसे गहरी थी, इसका समाधान 90% तक कांग्रेस की सरकार ने कर दिया, यह दावा दंतेवाड़ा जिले के कांग्रेसी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को विपक्ष जो है बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही, लेकिन प्रमाण इस बात के नहीं है। लाल पानी की समस्या है जिसके निदान के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए, थोड़ा समय और लगेगा। फिर किसी विधानसभा में से मिलेंगे नए सवालों और नए जवाब के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। कैमरा पर्सन कर्ण के साथ बंसल न्यूज दंतेवाड़ा।